सो कैसे हो सारे, स्वागत है आपका मिनिस्ट्री आरके में। नमस्ते सभी को। आज मुझे लगा कि सही वक्त है प्लेसमेंट के बारे में बता देने का। जैसे सब एमबीए ग्रेड्स के मन में होता है कि अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट्स लेनी है, मेरे मन में भी यही था। एंड जैसे दिवाली बीती एंड वो प्लेसमेंट्स की दौड़ शुरू हो जाती है एमबीए के बीच में, हर एक कॉलेज के बीच में आने लग जाता है, रिपोर्ट्स आने लग जाती है हर कॉलेज की कि हमारे ये प्लेसमेंट्स हो गई हर साल। हर मतलब जो बंदा चाहता है कि उसका कम से कम एवरेज प्लेसमेंट्स का हो और अच्छे से अच्छे हाईएस्ट तक टच करे। सब बहुत मेहनत कर रहे थे, लोगों ने अपनी जिम छोड़ दिया था, कहीं बाहर जाना बंद कर दिया था, सारी पार्टी अवॉइड कर दी थी। इवन कि एक काफी बड़ी पार्टी होने वाली थी वो भी प्लेसमेंट्स की वजह से कैंसिल कर दी गई थी। और फिर आता है वो दिन जब प्लेसमेंट्स का ऑन डे जीरो पे कंपनी कौन सी आती है भला, जो सबसे ज्यादा उस वक्त भी ट्रेंड कर रही थी और अभी भी आई गेस वो कंपनी ट्रेंड से बाहर होती नहीं, क्योंकि जो बंदा है वो ट्रेंड छोड़ता नहीं है। वो कंपनी का नाम है ट्विटर। एंड ट्विटर आ रही थी एचआर की पोजीशन के लिए। एंड पहले तो मैनेजमेंट ट्रेनी हायर करने वाले हैं, उसके बाद वो पोजीशन डिसाइड करवाते हैं। एंड और स्टार्टिंग पैकेज दे रहे थे वो 35 लाख का सीटीसी दे रहे थे। एंड सब काफी नर्वस थे क्योंकि डे जीरो की कंपनी थी और सब इतनी देर से एक एक महीने से तैयारियां कर रहे हैं। एंड डॉज ईयर हो गया या किताबें हो गई, अपने सब्जेक्ट्स हो गए, अपने प्रोजेक्ट्स हो गए, अपने कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स हो गए, सारे एकदम खत्म कर दिए। एंड करते 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 जो हायरिंग प्रोसेस था वो शॉर्ट होता गया। पहले एक असेसमेंट टेस्ट हुआ, फिर जीडी हुआ, फिर 2-3 राउंड मल्टीपल राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए एंड फाइनली रिजल्ट आ गया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। मतलब इतना अच्छा लगा ना मेरे को उस दिन। घर पे मैंने कॉल करके बताया, मम्मा पापा की आंखों में आंसू आ गए कि बट जैसे सबके मन में डर था, मेरे मन में भी डर तो यही रहेगा क्योंकि ट्विटर का आप सबको पता है कि कैसा सीन है। वो जो इलॉन मस्क भाई साहब है वो फराटेदार काम में बिलीव रखते हैं, वो फटफट निकाल देते हैं। थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। एंड मेरी ज्वाइनिंग भी आ गई है अगस्त की, बट या अभी मैं कुछ महीने यहीं पे हूँ अमृतसर में ही। अभी जो उनका जो हेड ऑफिस है वो बैंगलोर में है, तो अभी तो मुझे बैंगलोर में ही बुलाया उन्होंने। एंड देखता हूँ अगस्त में, मेरा 13 अगस्त की ज्वाइनिंग है मेरी, तो देखते हैं कि क्या प्रोसीजर्स आते हैं। अभी नॉर्मल छोटे मोटे हल्के हल्के टेस्ट चलते रहते हैं साथ साथ की, पहले ये कर लो फिर ये कर लो फिर ये कर लो, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए हर बंदा नर्वस होता है। और डे जीरो पे प्लेस होना, मुझे लगता है आपकी मेहनत रंग लाई है। डे जीरो पे प्लेस होना तो बहुत बड़ी बात है, और वो भी हाईएस्ट पैकेज 35 सीटीसी, 35 लाख का सीटीसी। इस अभी ब्रेकअप नहीं आया है, बट आई एम होपिंग कि ब्रेकअप भी काफी अच्छा ही होगा। जैसे जैसे पैकेजेस बढ़ते रहते हैं उसमें आपके ईसॉप्स ऐड हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी ऐड ऑन होंगे इसके बीच में। और देखते हैं वेरिएबल कितना रहता है, फिक्स्ड कंपोनेंट कितना रहता है, ज्वाइनिंग बोनस कितना रहता है, रिटेंशन बोनस कितना रहता है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जान लेनी। अभी तक मेरे पास नहीं आया, बट हाँ डे जीरो पे प्लेस हो गया था, बहुत खुश था मैं। दोस्त को भी लग रहा था कि यार मतलब चलो मेहनत रंग लाई, पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। एंड यही था कि यार तब से लेके आप इतनी देर 4-5-6 महीने पहले प्लेस हो गए और आप अभी तक वेट करो कि एक सही वक्त आए, एक सही वक्त आए बता देना का, बट आज वो वक्त आ चुका है कि मैं आपको सबको बता दूं कि आई एम प्लेसिंग ट्विटर विद 35 लाख का सीटीसी। एंड हार्ड वर्क पेज ऑफ, मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप ने एमबीए में आके मेहनत की, वो तो करनी ही पड़ती है, बट एमबीए के लिए एक अच्छे कॉलेज जैसे एनएमएमएस मुंबई जैसा वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल इन इंडिया, तो बात तो बनती है उससे। तो मेहनत जो होती है वो, यार मैं ही बोलूंगा कि आप अपना ना, यार मैं मुझसे कोई पूछता भी है अगर कि हम एमबीए में आने वाले हैं तो हम किस पे फोकस करें, तो मैं बोलता हूँ कि अपनी सीवी बिल्डिंग फोकस करो। कुछ सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें इतनी पढ़ाई करवाएंगे वो खुद ही अच्छे कॉलेजेस की, तुम्हें अलग से आउट ऑफ द वे नहीं जाना पड़ेगा। तुम बस विद द फ्लो अगर चलते रहोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी शॉर्ट है। एंड यही है कि अगर मेहनत कर रहे हो सही तरीके से तो अच्छे कॉलेज भी मिलेगा अच्छे, अगर एमबीए अभी तक एमबीए के लिए नहीं सोचा था तो, और अगर एक बार एमबीए पहुंच गया तो उसके बाद अच्छी मतलब आपको शिप भी मिलेगी, यानी कि समर इंटर्नशिप भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपके आगे जाके मेहनत करोगे। तो मैंने हिल्टन में की थी, सबको पता है समर इंटर्नशिप, तो वन ऑफ द मुझे लगता है वो भी काफी अच्छी थी, मुझे सीखने को बहुत मिला। तो मैं चाहूंगा कि
कि ऑफलाइन हो, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि ट्विटर का माहौल कैसा है, क्योंकि क्योंकि इलॉन मस्क भाई साहब की वजह से नेगेटिविटी तो बहुत फैलती है, बट अब ज्यादा बोल नहीं सकते ना, अब इसी कंपनी का पार्ट बन गए हैं तो। बट यार अच्छा लगा, मतलब मुझे अच्छा लगा कि चलो पहले दिन ही फ्री होगी, क्योंकि काफी लोगों का हुआ कि उनको काफी काफी देर लग गई मतलब प्लेस होने में, कहीं को एक हफ्ता लगा, कहीं को 2 हफ्ते, कहीं को महीना भी लग गया, बट हार्ड वर्क होता है ना, अब मेहनत करते जाओ, आप बस रेडी हो कि अब ये होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा किसी इंटरव्यू में कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा और उसका आप फट से ये आंसर दे दोगे, ऐसा नहीं होने वाला है, बट आप बस रेडी हो कि सही जवाब दोगे और एक्यूरेट जो आंसर्स होंगे, जितने आंसर दोगे आप वो एक्यूरेट होंगे, तो ये जरूरी है। अब यही है कि आपको क्या, जो सीवी बिल्ड कर लिया आपने, थोड़े कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स कर लिया आपने, जो सीवी की सीवी चेकर होता है, मतलब सीवी से आप सीवी की पॉइंट्स चेक कर सकते हो कि सीवी कितनी बार आपकी चेक हो जाएगी कि बढ़िया सीवी है या नहीं, अच्छी सीवी है या नहीं, बार 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 बार, आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितनी बार सीवी ठीक होती है हमारी, एंड कोई प्रोजेक्ट्स पास होते हैं या नहीं, प्रोजेक्ट रेलेवेंसी कितनी हाई है, सब्जेक्ट रेलेवेंसी जो कंपनी पूछने वाली है आपसे, जिस रोल के लिए आने वाली है उसकी रेलेवेंसी कितनी हाई है या नहीं, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर जाती हैं। एंड तो मैं अब बता देता हूँ कि मेन रीजन क्या है मेरा, मतलब आप सबको बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीखो और पढ़ो और दिल लगा दो, मतलब सेकंड ईयर में आप पढ़ तो रहे हो, सब्जेक्ट्स तो पढ़ ही रहे हो, क्योंकि मेरे हिसाब से सेकंड ईयर में बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स आए थे, जैसे कि लेबर लॉ आया था या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसे सब्जेक्ट्स आए थे जो आपको बहुत ज्यादा सिखा देते हैं कि अच्छा ये है, अच्छा ये है, या मर्जर एंड एक्विजिशन की बात कर लूं तो बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स आते हैं, एंड ट्विटर तो भाई काइंड एक्वायर हुआ है, तो देखते हैं कैसे प्रोसेस रन होता है। अब मैं आज अब फाइनली बता देता हूँ कि द मेन रीजन बिहाइंड मी चूजिंग टूडेज डेट ऑफ टेलिंग यू दिस इज कि आज 1st of April है, एंड आप सबका अप्रैल फुल बन गया है, ठीक है। आई होप कि सबने यहाँ तक वीडियो देखी हो, क्योंकि काफी लोग पिछली बार जब जब मैं 1st April वीडियो बनाता हूँ तो लोगों के कमेंट्स आने लग जाता है कि कैसे हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं सिर्फ उन्हें पता है कि क्या हुआ है उनके साथ। एंड और मेरा तो रूल है कि 1st April को एक बढ़िया सी छोटी सी प्रैंक वीडियो टाइप बनाई जाए और बढ़िया सा काटा जाए, ठीक है। मैं तो कहूंगा कि अगर आप इस प्रैंक को कंटिन्यू करना चाहते हो, क्योंकि 1st April ही है, तो आज के आज ही फैला दो, ये फैला दो खबर, और इसका मैंने तभी वीडियो का नाम रखा है रिवीलिंग माय प्लेसमेंट, तो आई गेस वीडियो को व्यूज भी अच्छे आने चाहिए और प्रैंक भी अच्छा हो गया है, तो ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो मजेदार और लगी होगी कि एकदम, इसमें काफी है, कुछ बातें सच थी, बट अपार्ट फ्रॉम मी गेटिंग प्लेस्ड इन ट्विटर ये बात सच नहीं थी, मैं फिर से बता देता हूँ, ये मजाक था, हाईली 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 मजाक था, ये फूल्स डे था इसलिए, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, उनका प्रैंक कर दो, एंड कमेंट करके बताना कि ऐसे कमेंट में पता क्या लिखना, कांग्रेचुलेशन कुछ नहीं लिखना, बस कांग्रेचुलेशन लिख देना, सारे कांग्रेचुलेशन लिख देना, उससे क्या होगा कि प्रैंक थोड़ा वैलिडेटेड लगेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।